तो गाइस आज हम काम पे जा रहे हैं हमारे घर। तो आज कमला ने हमने कल रात को कमला को ख़त्म कर दिया था, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन वो बोल रही थी कि कोई सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी, उसकी बहन, उससे खतरनाक। मुझे भी पता नहीं अभी ये कौन है। नहीं आ गई चुड़ैल। तो अभी गाइस हम काम पे चलते हैं मेरी रोल्स रॉयस के साथ। एक GTR में तो बैठ नहीं पा रहा, तो रोल्स रॉयस में बैठ चुका। और मेरा घर पूरा पीला हो चुका है, गाड़ी भी पीली और गाड़ी भी मिली पता नहीं। चलो अब देखते हैं वो सर्बियन डांसिंग लेडी है कि वहाँ या फिर कमरा बोली है हमें डराने के। Two hours later. तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आई मीन मैम मैं काम से आ रहा हूँ वापस। मैं बिल्कुल क्यों जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ। चलो गाइस हम चलते हैं। कई रास्ते में सर्बियन डांसिंग लेना भी जाए। मैं बच्चा एक्सीडेंट। चलो पहुँच ही गई। चलो चलते हैं। चलो अरे बाप रे, तो सर्बियन डांसिंग लेडी आ गई यार। मेरे को बहुत मेरे को भगा रही है यार। मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर रहा, मैं कुछ छू भी नहीं रहा हूँ। गाइस बचाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने कमला को मारा है ना? अरे मैंने कमला को नहीं मारा है, उसने ही बोला। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ इतना? आई मीन मैंने कमला को मारा है, लेकिन तुम मेरा क्या बिगड़ रही हो? अच्छा है दोपहर हो गई गाइस, अच्छा है, वरना वो तो मेरे को मार ही देती। अच्छा है वो अभी नहीं है, वो रात को ही दिखती। आई मीन सारे भूत रात को ही दिखते हैं। गाइस चलो अभी चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास। मैं तांत्रिक बाबा के पास जो लास्ट टाइम गए थे, मैं उनको ही बुलाना पड़ेगा। टेंशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मेरे को तो बहुत लगा कमला फिर भी मुझे इतना कुछ हर्ट नहीं की, लेकिन ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो मुझे कंट्रोल करती है। बाप रे बाप। तो जब विराज कमला को ख़त्म कर देता है, उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी उसको बहुत तंग करती है। तो वो बाबा को बुलाने जाता है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।